बताते चलें कि स्टेट लाइन में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो स्लोप है, स्लोप के बारे में हम पिछले वाले चैप्टर में या पिछले वाले लेक्चर में लोग देख चुके हैं। तो अगर स्लोप या बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइन्स आपको चाहिए हो तो पहले वाले पार्ट पे आप जाएं। आज हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन की बात करेंगे कि कितने डिफरेंट फॉर्म में हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आज देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जनरल फॉर्म क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें कि कोई लाइन है, एक ऐसा कर्व जो प्लेन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज इस कर्व को हमने रिप्रेजेंट किया तो हमने बताया ही था कि अगर इसको स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव करना हो, तो अगर आपने ऐसे कोई कर्व ले लिया, उस कर्व पे लाई करने वाले किन्हीं दो पॉइंट्स को आपने डायरेक्टली ज्वाइन किया और जो वो रेखा सेगमेंट आ रहा है वो अगर कर्व को पर लाई नहीं कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ऐसा इंट्रोडक्शन हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये वाला कर्व को स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, इसके कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो जो रेखाखंड होगा, वो सेगमेंट होगा, वो लाइन पर ही लाई करेगा। तो ये सारी बातें, स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है, इनके बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ज़रूर आप देख लें, अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो ज़रूर आप देखें। डिफरेंट फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और क्यों रिप्रेजेंट किया गया, कौन सी फॉर्म का क्या इंटरप्रिटेशन है, ये सारी बातें स्ट्रेट लाइन को सीखने में बहुत ही सहायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सकती हैं। इन सब सारी बातों को आपको समझना है। ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर जीरो, इस इक्वेशन को या इस टाइप की कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंट की गई एग्जाम्पल में, एक्स प्लस वाई प्लस वन बराबर जीरो, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर बराबर जीरो, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू बराबर जीरो, ये सारे लाइन के जनरल फॉर्म है। कहने का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। कि कोई भी लीनियर का मतलब होता है कि एक्स और वाई की डिग्री वन हो और इन एक्स वाई को कैसे भी रिलेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि एक्स बराबर वाई, वो सारे पॉइंट्स जो एक्स बराबर वाई है, जैसे कि वन कामा वन, टू कामा टू, थ्री कामा थ्री, जीरो कामा जीरो, माइनस वन कामा माइनस वन, ये सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जब इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करेंगे तो एक ये लाइन आपको मिल जाएगी। इस रेखाखंड पे या इस लाइन पर ये सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं जिनका लीनियरली रिलेशन है एक दूसरे से। अगर आप ऐसे देखें y बराबर x प्लस वन, कहने का मतलब x जो है उसमें एक जोड़ दिया गया तो y आ गया, यानी कि x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना आएगा 2, x की वैल्यू 2 रखी y 3 आएगा, x की वैल्यू माइनस वन रखी y 0 आएगा। तो ये लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इसमें भी x और y में लीनियर रिलेशन है। तो इस लाइन को अगर इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है तो x माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो, तो ये जनरल फॉर्म हो गया। जनरल फॉर्म से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आप जान लें, जैसे कि पूछते हैं कि अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स हाउ मैनी। तो हमें लगता है कि x और y अननोन है, या हम लोग सोचते हैं कि अननोन है, ये एक गलत नॉलेज बोल सकते हैं, एक गलत इंफॉर्मेशन है। एक्स और वाई करेंट कोऑर्डिनेट है। करेंट कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि ये लाइन, जैसे कि यहां एग्जांपल पास हो रही है तो इस बिंदु से पास हुई, इस बिंदु से पास हुई, तो करेंटली यहां पर है, करेंटली यहां पर है, ये सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाइड करेंगे। लाइन एक्स और वाई में ही तो एक इक्वेशन है, तो एक्स और वाई में इक्वेशन रहेगी तभी तो लाइन रहेगी, तो एक्स वाई अननोन नहीं है। अब देखा जाए तो यहां पर x और y
ये कोफिशियंट और सी, ये अननोन हमें लगेगा। अननोन से मतलब क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर आप निकालते हैं तो जितने भी कर्व हैं उन कर्व में जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होता है। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि नंबर ऑफ अननोन्स पता अगर हो गए तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता चल जाएगा। दूसरी बात, अननोन्स जितने होंगे उतनी ही कंडीशन में चाहिए किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो अगर अननोन तीन होंगे तो कंडीशन में तीन चाहिए, अननोन दो होंगे तो कंडीशन दो चाहिए होंगी, तो अननोन जाना जरूरी है। यहाँ पे अब बात आई कि ए बी सी अननोन है, अगर हम यहाँ सी से डिवाइड कर दें तो ए अपॉन सी एक्स हो जाएगा और बी अपॉन सी वाई हो जाएगा और सी अपॉन सी वन हो जाएगा। तो इसको हम दोबारा रीराइट कर सकते हैं, यहीं पे आप देखते रहें, ये कांस्टेंट बन गया तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स का कोफिशियंट और वाई का कोफिशियंट, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स ए एंड बी है दैट इज टू, टू अननोन्स। तो कभी भी लाइन आपको निकालनी है स्ट्रेट लाइन के लिए आपको मिनिमम दो कंडीशन चाहिए। तो जितने भी फॉर्म आगे देखेंगे जनरल के अलावा, उन सारे फॉर्म में आपको दो ही कंडीशन दी गई होंगी, उन दो कंडीशन से सारे फॉर्म को आइडेंटिफाई करेंगे। तो लाइन कभी आपको निकालनी होगी तो आप दो ही कंडीशन ढूंढेंगे, उन दो कंडीशन की हेल्प से आप लाइन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इक्वेशन निकाल पाएंगे। अननोन्स इसलिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो एक लाइन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में कोई भी लाइन अगर रिप्रेजेंट हो रही है लिख सकते हैं, तो वो जनरल फॉर्म होगी। आगे जो भी हम फॉर्म देखेंगे वो स्टैंडर्ड होंगी, उन सारे फॉर्म्स के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक। तो जैसा कि बोर्ड पे है स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो देखते हैं कि स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है। पहले जो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है उसको पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ, आप उसको ध्यान दें। फाइंड आई इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज पासिंग थ्रू एक्स वन का वाई वन, एक पॉइंट से पास होगी और हैविंग स्लोप एम, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होगी, वो किसी भी मीडियम से किसी भी माध्यम से दी गई होगी। हो सकता है कि एंगल दिया गया हो, आप स्लोप निकाल लें, हो सकता है कि पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिए गए हो तो आपको स्लोप निकालना पड़े। तो स्लोप आपको मिल जाएगा और एक आपको पॉइंट मिल जाएगा, ये दो इन्फॉर्मेशन से आपको वो स्ट्रेट लाइन निकालनी है। तो इसके बारे में ज्योमेट्रिकली भी और इसकी प्रूविंग बारी बारी से देखेंगे। तो प्लेन पे हमने फिगर आउट किया है कि एक लाइन जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, एंगल ऑफ मेजरमेंट लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैसे अमाउंट को मेजर करेंगे, और वो पॉइंट जो दिया गया है एक्स वन का वाई वन उससे लाइन होके गुजर रही है। दो बातें यहाँ पे दी गई हैं, एक बिंदु दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, एक एंगल दिया गया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप याद कर लें, क्योंकि फार्मूला इनिशियल लेवल पे सबसे पहली बात मेन प्रियोरिटी होती है कि फार्मूला में याद हो, फिर कैसे आया फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी, समझ एकदम से नहीं आती है। तो आप फार्मूले को सबसे पहले एडवाइस किया जाता है कि y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, और जहाँ पर m बराबर टेन थीटा है। सबसे पहले एक हम क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रूविंग देखेंगे कि जिससे कि आप समझ में आए कि कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे। बिगनिंग लेवल पे सबसे पहले आपको एक हेल्प की जरूरत होती है, जब तक वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू सपोर्ट देते हैं। तो अभी जो फॉर्म कंसिडर किया था स्लोप पॉइंट फॉर्म, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा है, उसको पहले पढ़ेंगे एक्सप्लेन करेंगे। कोऑर्डिनेट की एक खास बात है कि कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन जब भी आता है तो बहुत छोटे, बहुत कम स्पेस में नहीं होगा, वो स्पेस अच्छा खासा ऑक्यूपाई करेगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक जैसे कि मैथ्स के ही बिगनिंग लेवल पे हैं तो लेंथी क्वेश्चंस जिनमें ज़्यादा वर्ड्स यूज किए गए आप उससे डरते हैं। तो कोऑर्डिनेट अगर आपको नहीं आती है तो सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे, जबकि होगा वो इजी। अगर आपको कोऑर्डिनेट का एक हुआ बना हुआ दिमाग में तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहले से मन करेगा कि छोड़ो, नहीं हो पाएगा। बट अगर आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो। देखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है
विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहां 30 नहीं 5/4 है, दैट इज 45 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3,4। तो देखो दो ही इंफॉर्मेशन उसने दी है, उन इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इतना पूरा पूरा लिखा गया। बातें कौन कौन सी दो दी गई हैं कि 3,4 से पास होगी और एक्स एक्सिस से एंगल जो है पाई बाई फोर इन टर्म्स ऑफ डिग्री 45 डिग्री। बीच में वो जो 30 हो गया तो गड़बड़ तो नहीं हो, वो तो पढ़ने में ज्यादा ठीक। इतनी सारी वर्बल डिस्क्रिप्शन, इतना बड़ा क्वेश्चन, और जब आप ज्योमेट्री देखते हैं तो केवल दो ही बातें हैं। तो ज्योमेट्री शुरुआत करने में टफ है, और जब आप बनाने लगेंगे तो मजा आएगा कि इतनी बात को हमने यहां पर छोटी सी जगह में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बात ध्यान रखें कि ज्योमेट्री हमारी हेल्प कर रही है, ज्योमेट्री से आप दूर ना भागें। जब भी आप कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन लगाएं तो सबसे पहले पढ़ने के बाद ज्योमेट्री जरूर फिगर आउट करें, जैसे रफली हमने यहाँ पे फिगर किए। की पॉइंट है पूरे वीडियो का, सबसे मेन जो हमारा सार जिसको बोलते हैं वो यही चीज़ है। ये चीज़ आप सीख गए तो हमारे सारे वीडियोज़ देखने का मतलब हल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो इन्फॉर्मेशन दी गई है, पॉइंट दिया गया है और एंगल दिया गया। एंगल मतलब आप सीधे क्या करेंगे, टेन पाई बाई फोर या 45। एम की वैल्यू आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि पाई बाई फोर क्या होता है, 10 1 आ गया। तो देखिए हमें एक्स वन कामा वाई वन दिया गया है 3,4 और एम की वैल्यू दी गई है, तो पॉइंट और स्लोप दिया गया। सीधे आपने जो फार्मूला याद किया है y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन और वाई वन की वैल्यू और m की वैल्यू आप रख देंगे, x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी y माइनस फोर बराबर 1x-3। आप चाहें जिस फॉर्म में चाहें, जनरल फॉर्म में आप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी किसी भी फॉर्म में आप लेके आए थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। जनरल फॉर्म में ज़्यादातर हम आंसर देते हैं, पर हमने बोला कि आंसर्स ऑप्शन पे भी तय करते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, अब हम लोग देखते हैं प्रूविंग। ठीक, तो लाइन को प्रूव कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू एक्स वन कामा वाई वन और विच इज इंक्लाइंड थीटा एट एक्स एक्सिस। उसको मैंने फिगर आउट किया, कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं उनको यहाँ पर सामने एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एक लाइन ली गई है, पैरा लाइन्स को वो लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सब बराबर हो गए, अल्टरनेट एंगल होंगे, एकांतर कोण होंगे। आपने ज्योमेट्री में 9th स्टैंडर्ड में एक चीज़ देखी होगी, तो जैसे कि यहाँ पर एंगल एक्स एक्सिस से थीटा है, तो ये भी एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन इन दोनों लाइन को कट कर रही, तो ये भी थीटा होगा। एक्स वन वाई वन से पास हो रही, तो इसका मतलब दिया गया है एक पॉइंट हमने पी लिया एक्स कहाँ वाई, तो पी लाइन पर लिया है, कहीं पर भी लिया है, तो पी अननोन है। एक्स वन कहाँ वाई वन दिया गया है तो नोन है। दो बातें अलग अलग हैं, इनको एक साथ मिक्स ना करें, समझें। तो इसको अलग से फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि ए लिया है एक्स वन कहाँ वाई वन और पी पॉइंट लिया है एक्स कहाँ वाई, थीटा यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए जैसे ज्योमेट्री में दिखाते थे कि ये एक्स वन है और ये हमारा पूरा क्या है एक्स है, तो फाइनल एक्स है और इनिशियल में एक्स वन है, तो फाइनल माइनस इनिशियल एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सिमिलरली पूरा टोटल हमारा वाई है और ये हमारा क्या है वाई वन, क्योंकि ये पॉइंट दिया गया है, तो ये हमारी जो हाइट है वो ये वाली हाइट वो वाई वन है और ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या है एक्स है और ये क्या है एक्स वन। तो स्लोप एम बराबर यहाँ पे वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ पर y माइनस वाई वन बराबर क्या आ जाएगा m x माइनस एक्स वन। ये लाइन इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन हुई क्योंकि x1 वन का वाई वन नोन है, मतलब जैसा कि पीछे एग्जाम्पल हमने दिया है, एग्जाम्पल सबसे अच्छा तरीका है लाइन को समझने का। दिया गया था कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और स्लोप m दिया गया था, x का y में एक इक्वेशन आ गई थी, तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है।
आगे बारी बारी करके एक एक करके सारे फॉर्म्स को देखेंगे, सारे फॉर्म्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप इतना से आराम से कोऑर्डिनेट सेक्शन को देखिए, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बाकी जल्दबाजी करनी तो और सारे हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वेक्टर के, लिमिट के, सारी प्लेलिस्ट को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप आराम से या थोड़ी जल्दबाजी से भी पढ़ सकते हैं, बट कोऑर्डिनेट में बहुत ही आराम से आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, देख लेते हैं। अब इतना तो जान ही गया कि हो गए कि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, तो बार बार उसको बताया जाए मुझे थोड़ा ऑड लगता है, इतना प्रोफेशनल होना भी अच्छा नहीं है। तो आप सीधा सा क्या है, आप उसको क्वेश्चंस को नोट करिए और करिए, और क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए अपने बच्चों की तरह। लाइक मुझे एक टीचर आप मान ही चुके हैं, या आपको लगता है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए और हम आपको बताएंगे। थैंक यू।